बिहार में जिला शेखपुरा में स्थित शेखपुरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत 52 वर्षीय कमलेश कुमार की हृदय गति रुकने से मौत होने का मामला सामने आया है। वहां उपस्थित डॉक्टर्स की सहायता से कमलेश कुमार को आनंद फानन में शेखपुरा सदर हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित किया गया। सदर प्रखंड पीएचसी शेखपुरा में ये विगत 6 महीना से हार्ट की बीमारी से गुजर रहे थे। कोविड जब से शुरुआत हुआ उसी टाइम से अपना इलाज पारस हॉस्पिटल में करवा रहे थे। इधर SS चटर्जी से भी दिखवाए थे पटना में, उन्होंने बोला था कि आपका हार्ट ब्लॉक है, आप जो है सो बाईपास सर्जरी करवा लीजिए। उसी का ये प्लानिंग कर ही रहे थे ये कि कब जाके हमको ऑपरेशन करवाना है। आज आया था उसी समय में बात करने और उसके बाद जाके ये अपना ऑपरेशन करवाते, लेकिन अचानक इनको इस तरह से दर्द हुआ और ये छटपटाने लगे, तो हम लोग यहाँ सदर अस्पताल लाए। थोड़ा देर के बाद ये जैसे अंतिम सांस लिए। आपका नाम सर? डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, प्रभारी PHC सदर प्रखंड शेखपुरा। शेखपुरा प्राथमिक उपचार स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि शेखपुरा सदर प्रखंड PHC शेखपुरा में 6 साल से कार्यरत थे। कोरोना काल से ही हृदय रोग से संबंधित इलाज करा रहे थे। वे पटना में भी हार्ट का इलाज कराए थे तो वहां डॉक्टर ने सर्जरी करने को कहा था। ड्यूटी के दौरान अचानक दर्द हुआ, उसके बाद कमलेश कुमार की मौत हो गई। प्रभारी ने बताया कि कमलेश कुमार का घर इस्लामपुर में है, जो नालंदा जिले के अंतर्गत आता है।